बचाए क्या है, इसमें डॉक्टर बैठेगा तब ना होगा चालू, जब ऐसा ही रहूंगा पड़ा हुआ। कितना दिन से ये बन गया? ये तो जब से बना ही तो 10-15 साल हो गया। जब साल में बैठता है और बिना कभी करता है, जब 20 साल से। रही बात स्टाफ के खंडहर होने की स्थिति, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। शहरों की अस्पताल की तो तस्वीरें बदली हैं, लेकिन गांवों में अस्पतालों की तस्वीरें अभी तक नहीं सुधरी हैं। गांवों में अस्पतालों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई प्रखंड में एक अस्पताल बनाया गया था, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था मधुबन प्रताप गाँव में, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिल सके। सालों पहले ये अस्पताल खोला गया था, उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था, ताकि क्योंकि वो PSC वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, ऐसे में वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो गई, आप देख लीजिए, तबेला बन गया है वो, और जिसमें पशुओं को बांधा जाता है, और खिड़की टेबल सब चोर उखाड़ कर ले गए हैं। और वहीं स्थानीय ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, वहीं पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सच्चाई क्या है, इसमें डॉक्टर बैठेगा तब ना होगा चालू, जब ऐसा ही रहूँगा पड़ा हुआ। ये कितना दिन से ये बंद है? ये तो जब से बना ये तो 10-15 साल हो गया। अच्छा, इलाज करवाने कहाँ जाते हैं आप लोग? जाते हैं वो सरसिया जाते हैं और आई जाते हैं। और रात में अगर तबीयत खराब तो मरेगा यहीं पर, यहाँ तो कोई साधन नहीं है ना। शिकायत की है कभी? ना, ये सब कहाँ कोई जारी किया है, तो वैसे बोलता था कि आएगा आएगा, डॉक्टर आया नहीं, कोई बैठा नहीं। अच्छा, बाढ़ के दिनों में क्या होता है? बाढ़ के दिन में नहीं कहेंगे, कोई उपाय नहीं रहता है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर कभी आए नहीं? कभी नहीं आया। कितना आबादी होगा यहाँ पे? अरे यहाँ 500 घर है। अच्छा, 500 घर के। क्या नाम हुआ आपका? राम भाई से मना है उसमें। हाँ, ऊपर देखते गुंडी उड़ा रहा है, देखा ना ऊपर गुंडी नीचे भाई जा रहा है, ऊपर छिपली बैठा ठोक रहा है। डॉक्टर नहीं बैठता है, और भी ना कभी कभी करता है। कितना दिनों से लगा नहीं होता? डॉक्टर 20 साल से। क्या समस्या उत्पन्न होती है बाढ़ के दिनों में? बाढ़ के दिन में हम लोग का बड़ा समस्या गड़बड़ रहता है। अब देखिए कि हम रास्ते के उस पर में बागमती नदी है, आने जाने में बहुत कष्ट है। चचरी पुल से साधन है तब तक है, नहीं होगा अगर रात में नैया से जाने में बड़ा कष्ट है। कितना आबादी है यहाँ पे लगा? यहाँ 1100। हाँ, 1100। अच्छा, रात में तबीयत खराब हो जाए तो? रात में खराब आदमी अगर जाए पाएगा पाएगा, मतलब बस भगवान भरोसा, कोई कोई में कोई देखने में सुनने वाला नहीं है, और नहीं के पूरे कोई पूरी बना है। अब सरकार जो सरकारों जो बनाते हैं, जरा विधायक बनाते हैं, वो घूम कर नहीं आता है। स्वास्थ्य कर्मी और आई प्रखंड में और कटरा में कुछ कम थे, नए वाली ANMR की जो बहाली हुई उसमें प्रायोरिटी बेसिस पर मैं दे दिया हूँ। अब कोई ऐसा उपकेंद्र नहीं है जहाँ की कहने को हो कि वहाँ स्टाफ नहीं है। रही बात स्टाफ की खंडहर होने की स्थिति, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें जो हो गया है सो हो गया है, जो नहीं हुआ है उसको आई वाले में होगा। और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो वहाँ के स्थानीय विधायक मद से बना है, जिसकी सूची गई हुई है सरकार को। टेंडर होगा आने वाले समय में, लगता है 4-6 महीने के अंदर में, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसके भवन जर्जर हो और स्टाफ कहीं न रहे, स्थिति ही नहीं रही। तो आपने सुना कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, वहीं पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि जल्द अस्पतालों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, विधायक फंड से इसका जीर्णोद्धार होना है। और उन्होंने कई सारी बातों को बताया है, उन्होंने साफ साफ कहा पोस्टिंग भी की जाएगी, तो गांव वालों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि अस्पतालों की सुविधाएं बदली है, तो हम भी कहेंगे कि शहरों के अस्पतालों की तो बेहतर सुविधाएँ हुई हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल तबेला बन गया है, और स्थिति देखिए किस तरीके से पशुओं को बांधा जा रहा है। तो तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार सरकार के और उप मुख्यमंत्री भी है, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि गाँव में भी बेहतर सुविधा लोगों को मिल सके। तो मैं रही लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।